था बट चल रहे अंदर। हाँ जी भाई खालसा भाई फतेह। हूँ टाइम हो रहा है 4:30 बजे। खालसा भाई फतेह एंड आपका स्वागत है मेरे नवे ब्लॉग से। तो हूँ जो अभी पहुँच चुके हैं जो सवेर का सी उसी तुम दरबार साहब का दिखाया जो जरा पालक साहब जो अभी जो बाबा जी ने लैके आते हैं। तो हूँ अभी पहुँच चुके हैं दरबार साहब जो कि ठीक दरबार साहब तो साइड पास पड़ता है। फटाफट अभी चल रहे अंदर तो तुम अंदर जाके दर्शन कराते हैं। करते हैं तो हमारे प्रसाद से हम दूजा गेट है इंटर का अंदर। तेरी लाइक क्यों नहीं है वीडियो? रोटी खाती है कि नहीं कल्ली माँ पूछती कुछ खाता है कि नहीं कल्ला ताऊ पूछता है। भाई खालसा भाई फतेह। हूँ टाइम हो रहा है 4:30 जो कि कुछ टाइम तो मेरे बिजी हो गए थे वो ब्लॉग बाबा और पाकि बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारा साहब तो बाद में बना नहीं पाया। दैन हूँ अभी फिर तो वापस इंटर कर रहे हैं दरबार साहब से। कुछ कुछ समान लेना है इतना कुछ समान लैके तो बाकी असं पग लाइन चलेंगे उन्हें तो हम नाल लैके चल रहे हैं। आज अच्छे हमने तो नहीं दर्शन वास्ते जा रहे क्योंकि बहुत थोड़ा लेट ही हो गया तो हूँ हो सकता शाम के वेले सेंदे एक बार दर्शन कर जाऊँगी तुम दर्शन कराने वास्ते जावे शामी। तो हूँ असं पहले जा रहे हैं छैना लेना है वड्डा बजाने वाला तो नाल एक पग लेनी है गुरु जी ने पग लैके फटाफट घूम के जावे तो फिर शामी फिर असं अज रात फिर असं दरबार साहब आके दरबार साहब जाने फिर तो अज की वीडियो से भी दर्शन करावे। आ गया पार्किंग लॉट जिसे गड्डिया वड़िया सारी पार्किंग होंगे ए जगह जितों अगर तुम्हें वाघा बॉर्डर जाना हो तो इतों के ऑटो मिलते हैं
ऑटो बस गड्डियां हो गई जिथे तुम वाघा बॉर्डर लेके जाए तो हूँ असं जा रहे कुछ पागा लैन फटाफट पागा लैके तो फिर वापस में पहुँच रहे असं इतों लिया कि नगारा एक छैना तो ना एक ऑलरेडी पैकिंग करके रखा है बाबा दीप सिंह जी तो ब्लॉग तो स्टार्ट करता सी बट उस तो बाद कुछ दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि असं कुछ काम काज से बिजी हो गए सी कुछ समान वगैरह लैन से बाकी तुम जो समान असं लिया तुम फोटो जरूर दसागा क्योंकि असं गुरुद्वारा से लिया तो हूँ असं जा रहे हैं अंदर फिर तो दर्शन करने से
वाहे गुरु। दिखांदा पिंडू पाइल और क्या भाई।